सहारा की ज़मीन खरीदे प्रशासन। जी हाँ दोस्तों, ये एक लेटेस्ट न्यूज़ जो हम आपके लिए देने जा रहे हैं। इसमें सब्जी मंडी के लिए ज़मीन खरीदने के लिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है दोस्तों। चिट्ठी लिखी गई है कि शहर में सब्जी मंडी की ज़रूरत है और उसके लिए प्रशासन को ये ज़मीन खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों, पूरी न्यूज़ का सार यह है कि सहारा ग्रुप ने 2 दशक पहले सहारा सिटी के लिए यहाँ किसानों से ज़मीन खरीदी थी। यह ज़मीन महारावल, खेड़ा, खुशबर, सिकंदरपुर व भांगरी भुखरावाली के क्षेत्र में है। सहारा ग्रुप के घटते विश्वास के चलते निवेशकों ने पैसा मांगा। अन्य प्रदेशों में भी ऐसा ही हुआ। पैसा वापस करने पर जस्टिस TM ठाकुर वाली बेंच ने सहारा ग्रुप की 67 संपत्तियों को बेचने का निर्णय लिया था। इसके बाद संपत्तियों की सूची बनाई गई थी, जिसमें अलीगढ़ की जमीन भी शामिल थी। यह संपत्ति सेबी के सुपुर्द थी और सेबी की मुक्ति इस जमीन को मिली तो भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड की बिक्री के लिए, जिस जमीन को लीलामी के लिए भी HDFC रियल्टी अधिकृत के हाथों इसका सौदा करवाना तय किया गया था दोस्तों। जो प्रतिभूति नियामक सेबी बोर्ड की तरफ से इस बैंक को लगाया गया था, लेकिन कोर्ट के आदेश के अनुसार इसको 26 सितंबर को जो अलीगढ़ स्थित संपत्ति को पाबंदी से मुक्त कर दिया। तो दोस्तों, ये इसको पिछले साल की दिसंबर में इसको मुक्त कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश रोलर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप सिंगल का कहना है कि सेबी ने सहारा सिटी की जमीन को मुक्त कर दिया है। स्मार्ट सिटी के लिए व्यवस्थित शहर की जरूरत है। सिटी रोड, आगरा रोड, राजघाट रोड, ऑटो मरम्मत के वर्कशॉप संचालित हैं। ट्रांसपोर्ट नगर व फल मंडी की जरूरत है। इसके लिए सहारा ग्रुप की इस जमीन को प्रशासन खरीद ले। इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सुझाव भेजा गया है। दोस्तों, ये कुछ जानकारी आपके लिए हमारे पास थी। आपको जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि हमारे द्वारा हर एक वो लेटेस्ट वीडियो जो आपके लिए ज़रूरी है पहुंचे आपके पास सबसे पहले। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी नई अपडेट लेकर। तब तक के लिए US खान को दे इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।